आपको कुछ हफ्ते पहले मैंने बताया था कि जियो जल्द ही ला सकता है एक स्मार्टफोन आप सभी के लिए जिसकी कीमत बहुत कम होगी। वाकई में ये खबर कुछ सच होती प्रतीत हो रही है। गूगल ने एक इशारा दिया है कि जियो के साथ मिलकर आपके लिए सस्ते कीमत में स्मार्टफोन आएंगे। वो स्मार्टफोन 20,000 के नहीं होंगे, 10,000 के नहीं होंगे, बल्कि 5,000 से भी कम कीमत में होंगे। सीमित संख्या में आएंगे ये स्मार्टफोन। कब आएंगे, कैसे आप इसको परचेस कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं। उसके साथ ही आपको स्टॉक मार्केटिंग के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जो लोग स्टॉक मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रवीण माहुलियार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। वीडियो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन। आजकल जो नए इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो ये नहीं जान पाते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन सा नहीं, कब बाय करना है, कब सेल करना है, इसकी पूरी जानकारी न होने की वजह से उनको लॉस हो जाता है कई बार मार्केट में उतरते ही। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आपका मेन ध्यान होना चाहिए प्रॉफिट पर, ब्रोकरेज बचाने पे फिलहाल ध्यान मत दीजिए। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल एक कंपनी है जो कि आप सभी का डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करती है। आपको बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी है। आप यहां पर जीरो मेंटेनेंस चार्ज भी देते हैं, कोई पैसा नहीं लगना है मेंटेनेंस का अकाउंट का। मोतीलाल ओसवाल कंपनी पिछले 30 साल से मार्केट में है और 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर इन पर ट्रस्ट करते हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल एडवाइजर भी देता है जो कि आपको बताता है कब क्या बाय करना है, कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि अपने सारे काम को एक ऐप में इंटीग्रेट कर देते हैं और ऐप से यूज करना सारे फंक्शंस को काफी आसान है। इस ऐप में आपको एडूमो मिलेगा, मतलब कि एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और US मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ और भी कई फीचर्स आपके लिए हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको 3,000 का डिस्काउंट कूपन देता है और 1,000 ब्रोकरेज पे कैशबैक भी देता है और ये बहुत ही सिक्योर और सेफ भी है। आप कंप्यूटर से और मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म से। आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ देना होगा। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट तुरंत ऑनलाइन ओपन कीजिए सिर्फ अपना नाम, सिटी और फोन नंबर डाल के। वापस अपनी न्यूज पे आते हैं तो अमेरिकन न्यूज पब्लिशिंग वेबसाइट्स पे आप पढ़ेंगे गूगल ने इशारा कर दिया है कि जियो में जो उन्होंने पिछले महीने 33 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था उसका ज्यादातर पैसे प्रयोग होंगे प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स में। स्मार्टफोन्स जो होंगे वो कम कीमत के होंगे। गूगल का एंड्रॉयड 1 इस पे काम करेगा और आप सभी जनता के लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। और एक सर्वे बताती है कि लगभग 30 से 40 करोड़ लोग और स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं आने वाले 2 सालों के अंदर, पर उन लोगों के पास ज़्यादा धन नहीं है कि वो महंगे फ़ोन खरीदें, इसलिए अभी तक वो फीचर फ़ोन का सहायता लेते हैं। लेकिन जियो की ओर से पक्के संकेत हैं कि साल के अंत तक वो गूगल के साथ मिलकर सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करेगी ताकि चाइनीज कंपनीज जो कि इंडिया में रूल अप कर रही हैं उनका पत्ता कट हो सके। चाइनीज कंपनीज का नाम आया तो बता दूं, शाओमी लगभग 29% इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट्स को ग्रैब किया हुआ है, सैमसंग 26%, ये चाइनीज कंपनी नहीं है, वीवो 17%, रियलमी 11%, ओप्पो 9% और दूसरे ब्रांड 8%। जियो भी काफी ज्यादा मार्केट ग्रैब किया है लेकिन वो फीचर फोन के क्षेत्र में, स्मार्टफोन के क्षेत्र में जैसे ही उतरेगा मुझे उम्मीद है धमाका मचा देगा। साथ में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ सस्ते प्लान लॉन्च हो स्मार्टफोन के लिए पर्टिकुलरली ताकि आप सभी के रिचार्ज प्लान्स में भी बचत की जा सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी, ऐसी ही कुछ जानकारी मैंने आपको काफी टाइम पहले दी थी और अब ये खबर पक्की हो गई है क्योंकि गूगल की ओर से भी संकेत आ गए हैं। आप बिल्कुल एश्योर रह सकते हैं कि साल के अंत तक ये फोन आएंगे और जैसे ही लॉन्च होंगे आपको वीडियो बना के मैं बता दूंगा, तो चैनल से जुड़े ही रहिएगा। बाकी मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आप सभी का करता हूं स्वागत, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी, वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।